आज है 26 जनवरी, आप लोग लाइव हैं पहलगाम से। पहली बार पहलगाम में ऐसा हो रहा है कि 26 जनवरी ख़त्म हो गई है और नीचे पहलगाम में अभी तक एक बार भी बर्फबारी नहीं हुई है, सिर्फ ऊपर वाले पहाड़ों पे बर्फ़ गिरी है। बर्फ़ नहीं गिरने से बीआरओ ने पिशू टॉप पे एक नया रास्ता बना दिया है। जब आप पहलगाम जाएंगे तो चंदनवाड़ी का रास्ते से आपको पिशू टॉप चढ़ना होता था, अब वहाँ पे एक नया रास्ता बनाया गया है। वहाँ पे ब्लास्टिंग करके पहाड़ों पे एक नया रास्ता का निर्माण कर दिया है बीआरओ ने, क्योंकि आप देख सकते हैं अब यहाँ पे बर्फ़ नहीं है, जिसकी वजह से बीआरओ ने काम करने में आसानी हो रही है और बीआरओ ने एक नया रास्ता बना दिया है, पिशू टॉप तक कार जा पा रही है अब, तो ये एक अच्छी बात भी है। और दूसरी तरफ प्रकृति को भी मेरे हिसाब से नुकसान पहुँच रहा है, और एक तरफ बहुत गर्व की बात भी है कि अमरनाथ यात्रा मार्ग पे बीआरओ इतनी अच्छे से काम कर रही है। आप देख पा रहे हैं ऊपर पहाड़ों पे तो बर्फ है मगर नीचे अभी तक भी बर्फ नहीं है। यात्रा की जो डॉक्टर लिस्ट है वो लास्ट फरवरी तक अपलोड हो जाती है, और वो कि अमरनाथ की वेबसाइट पे होती है। आप देख सकते हैं अमरनाथ की वेबसाइट पे अपडेट लिस्ट आने लगी है, मगर अभी लिस्ट अपडेट नहीं हुई है। जैसे ही अपडेट हो जाएगी 2024 की आप लोग को बता देंगे, और आप लोग भी भोलेनाथ से प्रे करें जल्दी यहाँ पे बर्फ गिरे। अगर यहाँ पे बर्फ नहीं गिरेगी तो अमरनाथ यात्रा पे उतने यात्री भी नहीं आते हैं और बाबा बर्फानी लास्ट तक रहते भी नहीं है, तो ये एक मेन रीजन है। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा भोलेनाथ से प्रे करिए कि इस साल जल्द से जल्द बर्फ गिराए। होने की वजह से इस बार अभी तक हम बाबा बर्फानी का जो शिवलिंग है वो भी कम रूप में बनेगा, नहीं होने की वजह से इस बार अभी तक पूरी हिस्ट्री में बता रहा हूँ जम्मू कश्मीर की जनवरी ख़त्म हो गई है और नीचे देखिए पूरे कश्मीर में बर्फ नहीं है, तो ये पहली बार है। और इससे बाबा अमरनाथ यात्रा पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे बर्फबारी अभी तक नहीं हुई है, जिसकी वजह से शिवलिंग भी उतने विशाल रूप में नहीं आएंगे। और यात्रा की डेट की बात कर ले, यात्रा लास्ट जून में होती है और अभी ना ही मेडिकल डेट आई है ना ही रजिस्ट्रेशन डेट आई है। जैसे ही मेडिकल और रजिस्ट्रेशन की डेट आ जाएगी आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। और एक चीज़ और बता दें, आप लोगों को रजिस्ट्रेशन खुद करवाना है, पिछले साल बहुत सारे स्कैम हुए थे तो आप लोग वैसे स्कैमर से बचिएगा। रोड बना रही है, आपके हिसाब से वो रोड बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, क्योंकि जनवरी तक भी वहाँ पे ऊपर काम चल रहा है। आप सोचिए जनवरी में जहाँ पर यहाँ पर पहलगाम मार्केट में घुटने की तक बर्फ होती थी वहाँ पर आज बर्फ नहीं है। आप लोगों के हिसाब से बीआरओ को पहलगाम मार्ग से रोड बनवानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए? एक तरफ ये प्रकृति को हानि भी करती है, दूसरी तरफ एक गर्व भी महसूस होता है कि हमारी बीआरओ अब क्या से क्या कर रही है हमारे सुविधाओं के लिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय रखिएगा, और जैसे ही अमरनाथ यात्रा की कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी आप लोग को बता देंगे। और फिलहाल यहाँ पे देखिए मौसम साफ है, जैसे ही स्नो गिर जाएगी आप लोग को फिर यहाँ का व्यू दिखाएंगे। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हो बाबा बर्फानी ज़रूर लिखिएगा।